चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 25। आज का जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज देखेंगे भारत में बैंकों का इतिहास, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 1770 से लेकर के जहां भारत में प्रथम बैंक की स्थापना हुई, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था जहां से स्टार्ट हुई वहां से लेकर के वर्तमान तक। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में 10 बड़ी बैंकें हैं, इनका मर्जर होकर के 4 बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये इतना बड़ा सेक्टर कवर करती है भारत में अकेले बैंकिंग सेक्टर का कि इसमें मैक्सिमम लोगों के अकाउंट होते ही होते हैं। अगर आपके नहीं होंगे तो आपकी फैमिली वाले के जरूर होंगे। ओके, तो आप लोग हो सकता है लॉकडाउन में ज्यादा बाहर ना गए हो, बैंक अपनी ना पहुंच पाए हो, लेकिन अब आप जाएंगे जैसे कॉर्पोरेशन आंध्रा या फिर अलाहाबाद यूनाइटेड या फिर इनमें आपका अकाउंट है तो आपको ये नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपकी बैंक भाग गई है, आपका पैसा डूब गया, हमारा पैसा कैसे मिलेगा। ओके, तो कंफ्यूज ना होइए। इसीलिए इकोनॉमिक्स है वो केवल ना केवल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन डेली लाइफ है उससे भी रिलेटेड होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, मैंने एक पीटी और मेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, इसमें मैं 8 मंथ में पूरी जो स्ट्रेटजी है वो कवर करूंगा और इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। देखिए, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यूट्यूब पर एकमात्र हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको डेली टास्क दिया जाता है। ओके, जैसे बहुत सारे आपको चैनल देखने को मिलेंगे जहां पर आपको वीडियोस दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है आपको क्या पढ़ना है आज और क्या रिवीजन करना है। लेकिन मैं आपको डे देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर डे बताता हूं कि 164वां आज दिन है और डेट, और साथ में आज आपको कौन सा पढ़ना है, कौन से आपको लेसन पढ़ने हैं। ओके, और किस तरह से पढ़ना है। जैसे मैंने इसमें बताया है कि राष्ट्रपति के बाद में आपको राष्ट्रपति के साथ में आपको राज्यपाल पढ़ना है। ओके, तो इस तरह से कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हो पाएगी और साथ में आपको क्या रिवीजन करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप इनको डेली टेस्ट दे सकते हैं और मैपिंग का टास्क आपको मिलने लगेगा जल्दी। पहले आपको मिलता था, लेकिन आप एडवांस मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको टास्क मिलता है। इसके लिए आपको टेलीग्राम से ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कर दीजिए कि क्लब आईएएस एस्पिरेंट। जैसे ही आप लोग क्लब आईएएस एस्पिरेंट सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहां पर डेली टास्क आपको मिल जाएगा। और दूसरा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होना होगा। ओके, तो इस तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करें क्लब आईएएस एस्पिरेंट तो आपको दिख जाएगा। और अभी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है इसको देखने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाई आरजी सर। जैसे ही आप इकोनॉमिक्स बाई आरजी सर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से सारी हमारी वीडियोस दिख जाएंगी। ओके, और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से लेकर के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल, जहां भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज भारत में बैंकों का इतिहास। देखिए, पहली बैंक थी भारत में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत की जो पहली बैंक थी वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। देखिए, पहली बैंक, इससे पहले आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले भारत में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, तो जैसी आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जो आपको देखने को मिलती है इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1770 से ही। उससे पहले साहूकार लोग होते थे, वो लोग पैसे देते थे, तो वो एक संस्थागत नहीं था, कोई कितने भी मतलब वो असंगठित रूप से जो पैसे होते थे उनका लेन देन होता था। लेकिन यहाँ पर 1770, ओके, यहाँ से जो आधुनिक बैंकें हैं इनकी स्थापना स्टार्ट हुई। तो पहली बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप वित्तीय समावेशन या फिर बैंकिंग सेक्टर पर अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसी चीजें अगर आपको पता है तो आपका जो आंसर होता है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। ओके, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो भारत की प्रथम बैंक है। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने की थी। ओके, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत शासन भी किया है। ओके, इन्होंने लगातार 3 बैंकों की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की। इनकी प्रेसिडेंसियां थी ना तीनों, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो आपको पता होगा कि तीनों प्रेसिडेंसी में इन्होंने एक एक बैंक की स्थापना की। इसलिए आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों में एक एक बैंक की स्थापना की। ओके, तो देखिए सारे सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिससे आप लोग अगर एक दूसरे से कनेक्ट होकर पढ़ेंगे ना तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। इसी तरह 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। देखिए, जो फर्स्ट वाली है 1806 में जो बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया 1809 में, इसका नाम परिवर्तित करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ओके, इसके बाद जो 1865 में एक इम्पोर्टेंट बैंक है अलाहाबाद बैंक, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये अपने नाम से प्रचलित, जैसे इसका नाम था अलाहाबाद बैंक,
इसी नाम से प्रचलित ये सबसे पुरानी बैंक है जो अपने नाम से प्रचलित थी, लेकिन अब इसका मर्जर हो गया है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं रही है, सबसे प्राचीन बैंक नहीं रही है जो अपने नाम से प्रचलित है मतलब कार्यरत है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसी तरह 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट क्यों जाती है, देखिए ये सारी बैंक है ये आपको याद रखनी है क्योंकि इनकी एक विशेषता है, ये भारत में ऐसी प्रथम बैंक थी जिसमें ज्वाइंट स्टॉक थे, मतलब कुछ शेयर धारक थे जिन्होंने मिलकर इस बैंक की स्थापना की। इससे पहले देखिए किसी एक व्यक्ति ने एक कंपनी ने स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर के अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग हैं, जैसे मेरा क्लब है, ओके, क्लब में हम 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के हम बोले कि चलो सब लोग 10-10 रुपए मिलाते हैं तो टोटल 100 रुपया हो जाता है, 100 रुपए से हम लोग एक बैंक खोल लेते हैं, तो सभी का हिस्सा क्या हो गया, एक एक इकाई हो गया एक तरह से, क्योंकि सबने बराबर बराबर बांटा है और सब लोग कितने हैं 10 ही लोग हैं, तो ये क्या हो गया एक तरह से शेयर धारक हो गए। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक की स्थापना की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत में ऐसी प्रथम बैंक थी जो कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं इफ इंडिया की फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक थी। ओके, और देखिए यहाँ पर 5वें नंबर की पंजाब नेशनल बैंक 1894 में जिसकी स्थापना हुई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें कोई भी विदेशी नहीं था, इसकी स्थापना की गई थी वो प्योरली भारतीय लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, यानी कि इसमें विदेशी लोग नहीं थे, इसीलिए इसे फर्स्ट जो फुल्ली इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है पंजाब नेशनल बैंक, और ये काफी न्यूज में भी रही थी। ओके, नीरव मोदी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इलाहाबाद बैंक का लोगो यहाँ पे लोग ये देख सकते हैं, अब तो ये नहीं बचा है, इसीलिए ये पहले मैंने पीपीटी बनाई थी। ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए आप लोग, जो ये तीन बैंकें थी इनका मर्जर हुआ, इनका मर्जर होकर के एक बैंक की स्थापना की गई थी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने तीन बैंकों की स्थापना की थी और इन तीन बैंकों को मिला करके 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ से ही एसबीआई का निर्माण होता है, मतलब यहाँ से ही एसबीआई निकल के आती है जो वर्तमान में आपको एसबीआई दिखती है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता रहता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, देखिए अगर वो पूछा इस तरह से कोलकाता बैंक और बंगाल एक साथ दे दिया, लेकिन देखिए इन तीनों को मिला करके एक बैंक की स्थापना की गई, लेकिन जब देखिए 1806 में इस बैंक की स्थापना की गई थी तब इसका नाम बैंक ऑफ कोलकाता था। ओके, लेकिन एक कोलकाता बैंक के साथ मर्जर होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बना, बल्कि किसके साथ बना, बैंक ऑफ बंगाल। ओके, देखिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों के मर्जर से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इसीलिए कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोलकाता बैंक होता है उसके साथ में मुंबई और मद्रास, और ये चारों के चारों ऑप्शन दे देते हैं, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर देखिए केवल कोलकाता बैंक अगर ऑप्शन दिया है, ओके, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अगर एक पार्ट कोलकाता बैंक था, बैंक ऑफ कोलकाता, तो आपको यस लगाना है, लेकिन अगर दोनों दे दिया कोलकाता और बंगाल एक साथ दे दिया तो आपको बंगाल ही लगाना है। ओके, तो ये आपको लोगों को क्लियर रखना है वरना आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसके बाद 1955 में देखिए ये जो बैंक थी इसका 1921 में इसको नाम बदल दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन इसको फिर से 1955 में, अब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, ओके, अब 1955 में इंडियन जो गवर्नमेंट थी, हमारी भारतीय सरकार थी, भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले आई और अपने अधीन ले आकर के इसका नाम चेंज कर दिया, और इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, जिसको आप लोग जानते हैं एसबीआई के नाम से। ओके, तो एसबीआई कहाँ से लिख लिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और कब, 1955 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं ना, अगर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, उसके अलावा अगर ये तीन ऑप्शन दे दिए, फिर भी आपको क्वेश्चन ठीक कर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीन से मिलकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही बाद में 1955 में एसबीआई में परिवर्तित कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इससे देखिए मैं आगे इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की एक बैंक है। ओके, और बाद में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था,
और इसकी कुछ सहायक बैंकें बना दी गई। इन सहायक बैंकों को, कुछ बैंकें थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और उनको इसके अंडर में लाया गया सहायक बैंकों के रूप में। और ये 7 सहायक बैंकें थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्तमान में इनमें चेंजेस हुआ है इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें जो पहली बैंक थी बैंक ऑफ सौराष्ट्र, दूसरी बैंक ऑफ इंदौर, इसे आप लोग मैप पे लोकेट भी करना है, और तीसरी थी बैंक ऑफ त्रावणकोर और बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। देखिए स्टार्टिंग की जो पहली वाली है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ओके, इस जब ये घाटे में चलने लगी, ओके, ये दिवालिया की होने की कगार पर आ गई, तब इसका एसबीआई में विलय कर दिया गया। कब विलय किया गया? इसका विलय किया गया 2008 में, इसका एसबीआई में विलय कर दिया गया। इसी तरह इंदौर जो थी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये भी घाटे में चलने लगी। जब ये घाटे में चलने लगी तो इसको भी 2010 में, मतलब 2 साल के बाद, इस बैंक का भी एसबीआई में विलय कर दिया, मर्जर कर दिया। ओके, अब कितनी बची? सिर्फ शेष 5 बची। ओके, अब इन 5 को, इन जो 5 बैंक हैं आप लोग देख सकते हैं, इनको आपको मैप में लोकेट भी करना है, एक क्योंकि इंपॉर्टेंट काफी है। मैप में लोकेट करेंगे तो आपको ज्यादा नाम याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शेष 5 बैंकें बची थी, जो एसबीआई की सहायक बैंकें थी, इन पांच बैंकों को प्लस भारतीय महिला बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला बैंक। ओके, तो कितनी हो गई? 5 ये जो शेष बची थी और प्लस एक भारतीय महिला बैंक, इनका 1 अप्रैल 2017 में इन सब का एसबीआई में विलय कर दिया गया। देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यानी कि वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है, ना ही भारत में कोई भी भारतीय महिला बैंक कार्यरत है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब जो अगर इस तरह से पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछता है कि एसबीआई की सहायक बैंक है बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ओके, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, तो उसके बाद नन ऑफ दिस, तो आपको लगाना है नन ऑफ दिस, क्योंकि वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 सहायक बैंकें बची हैं या फिर 1 सहायक बैंक बची है, तो आपको ध्यान रखना है, एकदम कॉन्फिडेंस रखना है 100% की कोई भी नहीं बची है, वरना वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट कर देता है कि हो सकता है आप सोचेंगे यार एक आध तो होगी ना सहायक बैंक। ओके, तो एक भी सहायक बैंक नहीं है, साथ में कोई भी भारतीय महिला बैंक नहीं है। ओके, भारतीय महिला बैंक वर्तमान में भारत में कार्यरत नहीं है क्योंकि उसका विलय 2017 में एसबीआई में कर दिया गया। मैंने इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं नहीं चाहता आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन गलत हो, मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे से। अब देखिए बाद में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ी स्टोरी यहाँ पर सुना देता हूँ जिससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था यहाँ पर। ओके, हमारा देश यहाँ पर आजाद हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद, अभी हमारा देश था काफी गरीबी बेरोजगारी थी और बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंकिंग सेक्टर था, ये भी हल्के हल्के बढ़ रहा था, लेकिन इसका विकास सिर्फ शहरी क्षेत्र में हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा था। ओके, ग्रामीण क्षेत्र में इसका विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। 1969 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाई, यानी कि जो निजी क्षेत्र की बैंकें थी उनको अपने अधीन ला करके उनसे कहा कि भाई आप लोग ये नाइंसाफी एक तरह से कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ विकास कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको उनके पास तो बैंकिंग सुविधा नहीं है ना, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई राष्ट्रीयकरण की। तो राष्ट्रीयकरण को क्यों अपनाया गया आप लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र का विकास है वो सभी क्षेत्रों में एक बराबर हो, इसीलिए राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाएगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा सके, यानी कि संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी उसको अपनाया। अब देखिए राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई 1969 में 14 बड़ी बैंकों का। देखिए बहुत बड़ी बात है कि 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? एक होता है राष्ट्रीय बैंक, दूसरा होता है राष्ट्रीयकृत बैंक। इन दोनों को भी अच्छे से समझना है वरना आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। एक होता है राष्ट्रीय बैंक,
राष्ट्रीय बैंक। देखिए मैं आपको एक एक वर्ड है वो अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। एक होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, ओके। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक, और इसको बोलते हैं नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए राष्ट्रीय बैंक वह बैंक होती है जैसे गवर्नमेंट है, हमारे देश की सरकार है, ये किसी भी बैंक की स्थापना करे, ओके, अपने पैसों से बैंक की स्थापना की। मानते हैं इसने एक बैंक आईडीबीआई बैंक की स्थापना की, तो ये किस तरह की बैंक है? ये राष्ट्रीय बैंक है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की? गवर्नमेंट ने की, ओके। तो इसीलिए इसको राष्ट्रीय बैंक या फिर इसको हम नेशनल बैंक के नाम से बोलेंगे, ओके। और दूसरी क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक किन बैंकों को बोलेंगे? देखिए जैसे मैं हूं, ओके, मैंने एक बैंक की स्थापना की, मैंने मानते हैं एक क्लब बैंक की स्थापना की, क्लब बैंक की स्थापना की। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक जो आरजी सर हैं काफी कमाने लगे हैं, इनकी बैंक है, इसको हम अपने अधीन ले आए, हमसे उन्होंने ये बैंक छीन ली एक तरह से, अपना इसका अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण करके अपने अंडर ले आई। और इससे अधिग्रहण करके पहले ये कौन सी बैंक थी? प्राइवेट सेक्टर की थी ना, क्योंकि मैं तो एक निजी व्यक्ति हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ ना। लेकिन फिर इससे क्या किया, गवर्नमेंट अपने अधीन ले आई, अपने अधीन ले आकर के इस प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी प्रक्रिया को, ये क्या हुआ, एक प्रक्रिया हुई ना, इसी प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, ओके। तो राष्ट्रीयकरण के द्वारा अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी इकाई है वो भारत के अधीन आ जाती है, वो पब्लिक सेक्टर की हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, ओके। तो आप लोग समझ गए। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, जो पहले प्राइवेट सेक्टर की कभी रही होंगी, प्राइवेट लोगों ने खोली होंगी, ओके, बाद में गवर्नमेंटों से अपने अधीन लेगा, अधीन ला करके पब्लिक सेक्टर की बना दी। लेकिन राष्ट्रीय बैंक किसे बोलेंगे? गवर्नमेंट खुद इसकी स्थापना करती है तो उसको राष्ट्रीय बैंक बोलते हैं। और ये दोनों पब्लिक सेक्टर की हैं, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, क्योंकि अंततः ये बैंक थी पहले प्राइवेट सेक्टर की थी लेकिन बाद में पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट ले आई ना। तो देखिए दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की हैं लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, राष्ट्रीय बैंक है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो पहले प्राइवेट बैंक होगी कभी, बाद में उसे गवर्नमेंट अपने अधीन ले आकर के पब्लिक बैंक बना दिया। तो इतना ही बेसिक डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझना वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्तमान में एक यहाँ पर मैं और आपको बता देता हूँ, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय बैंक है, एसबीआई। इससे पहले जो आईडीबीआई मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आईडीबीआई बैंक है, ये दो बैंकें थी 2019, 1 अप्रैल 2019, ओके, 1 अप्रैल 2019 से पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ दो बैंकें थी जो नेशनल बैंकें थी, मतलब राष्ट्रीय बैंकें थी, एक एसबीआई थी, दूसरी आईडीबीआई थी। लेकिन आईडीबीआई बैंक थी, इसका 1 अप्रैल 2019 को 51% इसकी हिस्सेदारी थी, वो एलआईसी को बेच दी। जब इसमें एलआईसी को इसकी हिस्सेदारी बेच दी तो इसको आरबीआई ने राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी से निकाल दिया। तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय बैंक है, वो है एसबीआई। तो कितना इजी हो गया, हो गया, आपको ज्यादा याद भी नहीं रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी राष्ट्रीय बैंक है तो आपको एकदम बोलना है बेधड़क होकर के केवल एसबीआई एक ही बैंक है, और जितनी भी आपको पब्लिक सेक्टर की जितनी भी बैंकें दिखाई देती हैं वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के ही हैं, ओके। कौन सी बैंकें हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक के ही हैं, ओके। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, इतनी सारी चीजें आप लोग समझ के अच्छे से। देखिए यहाँ पर 1969 में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी? जिनकी एनडीटीएल, मैंने आप लोगों के लिए एनडीटीएल बताया था, कुल जमा राशि, ओके, जो किसी भी रूप में आई हो, चाहे वो मांग देयता के रूप में आई हो, चाहे सावधि देयता के रूप में आई हो, उनको एनडीटीएल बोलते हैं। तो आप लोग अगर एनडीटीएल नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आप आई बटन यहाँ पर दिख रहा होगा इस पर क्लिक करिए,
यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, तो यहाँ से भी आप लोग इन डिटेल देख सकते हैं। देखिए सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। तो जिनका एनडीटीएल कम से कम 50 करोड़ रुपए था, यानी कि जिनके पास कुल जमा राशि कम से कम 50 करोड़ रुपए थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे 50 करोड़ तो यार बहुत कम होता है, तो उस समय आप लोग समय देखिए, लगभग 1970 का समय है, तो उस समय 50 करोड़ भी बहुत होता था, क्योंकि आज का जो समय है उसमें जो रुपए की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई है। इसी तरह एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर गवर्नमेंट बोली यार हम ये अभी भी हमारा मान नहीं भरा, हम और भी करेंगे। फिर 1980 में 6 अन्य बड़ी बैंकें थी भारत में जो कार्यरत थी, जो निजी क्षेत्र की थी, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर लिया, और जिनकी कुल जमा राशि कम से कम 200 करोड़ रुपए थी, उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। और ऐसी कितनी बैंकें थी, ऐसी 6 बैंकें थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। लेकिन अब टोटल कितनी हो गई, देखिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंकें ये थी और 6 ये थी, टोटल कितनी हो गई, 14 6 20, 20 बैंकें हो गई। ध्यान से देखिए, अब इन 20 बैंकों में से जो एक बैंक थी, इसका दिवालिया निकल गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में इन 20 बैंकों में से, देखिए 1993 में इन 20 बैंकों में से एक बैंक थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका दिवालिया निकल गया। जब दिवालिया निकल गया, एक घाटे में चलने लगी, फिर इसका मर्जर कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में इसका मर्जर कर दिया गया। फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 19 बची। तो यहाँ पर 19 बैंक की कौन सी थी, ये राष्ट्रीयकृत थी, राष्ट्रीयकृत 19 बैंक है, और प्लस एक एसबीआई, एसबीआई एंड आईडीबीआई। तो यहां तक 1 अप्रैल 2019 से पहले टोटल पब्लिक सेक्टर की बैंकें कितनी थी, 19 ए और 2 ए, तो 21 बैंक थी। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन वर्तमान में कितनी बची है, पब्लिक सेक्टर की सिर्फ बैंकें 12 बची हैं। ये कैसे बची हैं, मैं आपको ये भी अच्छे से समझाता हूँ। तो 1 अप्रैल 2019 को दो बैंकें थी, मतलब ये 20 बैंकों में से एक बैंक यहाँ पर खत्म हो गई। तो 19 बची हैं। अब ये 19 बैंकों में से दो बैंक और, देना बैंक और विजया बैंक, इनका भी आपस में मर्जर कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पिक भी लगाया है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा था। ये दोनों बैंकें थी, ये घाटे में चलने लगी, तो जब घाटे में चलने लगी तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि हम इसका मर्जर इसमें कर देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैंक में कर देते हैं, तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया। खत्म करके 1 अप्रैल 2019 को इसको मिला दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी बची, 19 से घट करके 2, 19 में 2 कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी, 17 राष्ट्रीयकृत बैंकें बची। लेकिन बाद में भी गवर्नमेंट को अब भी अच्छा नहीं लगा, बोली कि भाई अभी भी जो बैंक है वो काफी छोटी हैं, हम और बैंकों का मर्जर करके उनको और बाहुबली बनाएंगे। तो 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़ी बैंकों का मर्जर करके उन्हें 4 बैंकों में परिवर्तित किया गया। इस तरह से ये 17 से घट के 11 बैंकें सिर्फ बची, और 11 बैंकें और 11 और प्लस एक ही सिर्फ जो राष्ट्रीय बैंक कितनी है, सिर्फ एक एसबीआई। तो टोटल पब्लिक सेक्टर की बैंक कितनी हो गई, 12। तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी, वर्तमान में पब्लिक सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 12 हैं, जिसमें से 11 हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं, मतलब कभी निजी क्षेत्र की रही थी और उन्हें बाद में गवर्नमेंट ने अपने अधीन लिया है, और एक है राष्ट्रीय बैंक एसबीआई। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हमने देखा था कि एसबीआई का भी तो राष्ट्रीयकरण, मतलब अपने अधीन लेके आई थी, वो भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी। ये भी मैं आपको लास्ट में एकदम वीडियो में बता दूंगा कि इसको राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में आरबीआई क्यों नहीं रखती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लोग सोचेंगे हाँ एसबीआई की भी तो स्थापना भारत सरकार ने नहीं की थी ना, तो ये भी मैं आपको अच्छे से अभी समझा दूंगा। तो एक एक टॉपिक मैं आपका क्लियर करूंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी 10 बैंकें थी जिनका मर्जर करके इन्हें 4 बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया, और वर्तमान में यानी कि 2021 में अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंक है, 12। ये काफी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, तो वर्तमान में 12 है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बेधड़क करके आपको आंसर लगा देना है। चलिए देखिए ये 10 बैंकें कौन सी थी, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा है, ये ग्रीन कलर वाली है, ये इनकी अभी भी जिंदा है, और जो रेड कलर से बेचारी खतरे में, ये समाप्त हो गई है, मतलब समाप्त होने का मतलब
इनका नाम आप वर्तमान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, हल्के हल्के इनका नाम मिट जाएगा और सिर्फ आपको सिर्फ जो ग्रीन कलर से मैंने लिखी है यही दिखाई देगी। जैसे तीन बैंकें थी, इनका आपस में मर्जर किया गया, जिसमें एक थी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, एक थी पंजाब नेशनल बैंक, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का आपस में मर्जर किया गया और एक बैंक बनाएगी। ओके, और इसमें जो मेन बची है वो कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको रखा है। ओके, इसी तरह केनरा बैंक और जो सिंडिकेट बैंक है, इन दोनों का आपस में मर्जर किया गया, तो एक बैंक आप हमको यहाँ मिल गई, कौन सी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी मिल गई। ओके, अब इन दो बैंकों का मर्जर किया गया, इन दोनों बैंकों का मर्जर करके हमको एक बैंक और मिली यहाँ पर। ओके, कौन सी, केनरा बैंक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, केनरा बैंक। इसी तरह तीन बैंकों का हमने आपस में मर्जर किया, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, यहाँ से हमको एक बैंक और मिली। ओके, तो टोटल बैंक कितनी हो गई, ओके, तीसरी ये बैंक मिल गई हमको, कौन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसी तरह हमने दो बैंक, दो अन्य बैंक थी, इनका भी आपस में मर्जर किया, आपस में मर्जर करके हमको जो बैंक मिली, यहाँ से एक बैंक मिली, तो ये चौथी बैंक हो गई, ओके, बैंक ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चार बैंक, अगर आपका ये रेड वाली जो आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, इसमें आपका या आपकी फैमिली का या आपके दोस्त हैं, इन लोगों का अकाउंट होगा, तो हल्के हल्के ये बैंकें या आपकी जो शाखाएं हैं जहाँ भी आप रहते हैं, वो शाखाएं देखने को नहीं मिलेंगी उनके वजह। जैसे आपका यूनाइटेड बैंक में आपका अकाउंट है, फिर आपके दोस्त का, तो कुछ समय के बाद यूनाइटेड बैंक का ना ही आपको एटीएम देखने को मिलेगा, ना ही बैंक देखने को मिलेगी। अभी आप जाएंगे वर्तमान में, तो आपको इस तरह से पीएनबी प्लस ओरिएंटल प्लस यूनाइटेड बैंक इस तरह से लिखा दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद ही गायब हो जाएंगी, सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि अलाहाबाद बैंक थी जो अपने नाम से कार्यरत सबसे प्राचीन बैंक थी, अब वो नहीं रहेगी क्योंकि इसका नाम है वो खतरे में पहुंच गया है, इसकी जगह पर इंडियन बैंक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है मेरा, मैंने पानी नहीं रखा है तो इसलिए गला थोड़ा सा सूख गया है। ओके, अब देखिए ये ब्लैक करने की प्रक्रिया आपने देखा था, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, पब्लिक सेक्टर की सिर्फ 12 बैंक है, अभी ब्लैक करने की प्रक्रिया है क्या कैसे भी जारी रह सकती है, क्या ब्लैक करना अच्छा होता है, तो इस टॉपिक पर भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। नरसिम्हन कमेटी जो थी उन्होंने बताया था कि जो कमजोर बैंक हैं उनका विलय हमें सशक्त बैंकों में नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो रीजन भी उन्होंने बताया है। ओके, तो पहले हम विलय करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए पहले तो ऐसे विलय कर दिया जाता था, लेकिन अब एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, इसमें आरबीआई जो बैंक है, ओके, आरबीआई है वो बैंकों की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करती है और अध्ययन करके उन्हें कई कैटेगरी में डिवाइड करती है। ओके, तीन कैटेगरी में डिवाइड करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कोई भी बैंक है उसकी आर्थिक क्रियाकलाप कैसे है, मतलब उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है, वो देखती है और उसके हिसाब से इन कैटेगरी में 1, 2, 3 में रखती है। जैसे कि आप अगर एकदम इजी से समझना चाहते हैं तो ये समझिए, जैसे कि आप लोग टेस्ट देते हैं, ओके, कॉलेज टाइम में आप लोग टेस्ट देते होंगे, कहीं भी टेस्ट देते होंगे, फिर आपको रेटिंग मिलती है ना कि आपने अच्छा किया, 10 में से आपको 7 मिला है, 10 में से 5 मिला है, 10 में से 3 मिला है, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह जो आरबीआई है वो बैंकों की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करती है और देखती है कि भैया इसकी कंडीशन कैसी है। अगर देखिए पहली कैटेगरी में वो किन बैंकों को रखती है ये देख लेते हैं, और उसे क्या करना होता है, अगर कोई भी बैंक है वो कैटेगरी 3 में आ जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर प्रभाव देखेंगे और देखेंगे जैसे कौन सी कैटेगरी में कौन सी बैंक को रखा जाएगा। तो नंबर 1 कैटेगरी 1, इसमें आरबीआई उन बैंकों को रखती है जिनकी जो वित्तीय सीमाएं हैं उनमें थोड़ी कमी दर्ज देखने को मिलती है, जैसे कमी दर्ज होती है वो देखने को मिलती है, तो ऐसी बैंकों को आरबीआई कैटेगरी 1 में रखती है। ऐसी बैंकों को क्या करना पड़ता है, यानी कि उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उन बैंकों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो ऐसी बैंकों को अपने जो शेयर धारक होते हैं, शेयर की भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, तो जो शेयर धारक होंगे उन्हें लाभांश का वितरण बंद करना होगा। ओके, लाभांश का वितरण बंद करना होगा। इसी तरह आरबीआई कैटेगरी 2 में उन बैंकों को रखती है जिनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है, पहले में कमी आ रही थी, ओके, लेकिन इसमें ज्यादा खराब होने लगती है, थोड़ी खराब होने लगती है, तो उसे कैटेगरी 2 में रख देती है। जब कैटेगरी 2 में रखती है तो उसमें बैंक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे क्या करना होता है, उसे नंबर 1 नई शाखाएं खोलने से आरबीआई मना कर देती है। जैसे कोई भी बैंक है,
जैसे हमारी क्लब बैंक है, चलिए यही डूबने लगी है, इसकी स्थिति थोड़ी बेकार होने लगी है क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं है, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं, ओके, तो इसलिए स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। ओके, तो एक क्लब बैंक है, ओके, इस क्लब बैंक है, ये थोड़ी सी इसकी स्थिति खराब हुई, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक दिल्ली में, एक लखनऊ में एक और ब्रांच खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैटेगरी टू में आ गया हूँ। कैटेगरी टू में आने के कारण मैं लखनऊ में, दिल्ली में और जो नई शाखाएं, नई ब्रांचेस में खोलना चाहता था वो मैं नहीं खोल सकता हूँ, आरबीआई मुझे मना कर देगी। ओके, और दूसरा जो घाटे की इकाइयां हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। मानता हूँ जैसे मेरी पटना में एक क्लास चलती है, मतलब पटना में मेरी एक ब्रांच है, वो ब्रांच घाटे में चल रही है, ओके, उस ब्रांच से सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, तो उस ब्रांच को मुझे बंद करना होगा जिससे मेरी जो स्थिति है थोड़ी सी अच्छी होने लगे। और कैटेगरी थ्री में किसको रखा जाएगा? कैटेगरी थ्री में आरबीआई उन बैंकों को रखती है जिनकी वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। ओके, तो ऐसी बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसे क्या करना होगा, तो हम प्रभाव भी देख लेते हैं। ऐसी बैंकों को नंबर एक अपने जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि हायर रैंक के जो अधिकारी ऑफिसर होते हैं, उनका वेतन सैलरी कम करनी होगी या फिर बंद कर देनी होगी। ओके, यानी कटौती एक तरह से करनी होगी। दूसरा, जो न्यू लोन होगा, नया ऋण होगा, नया ऋण और ग्राहकों को नहीं देना है जिससे उसके पास पैसे रहेंगे और जिससे क्या होगा, उसकी डूबने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और तीसरा, उसको ज्यादा, यानी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखती है, ओके, क्योंकि मैं गूगल टाइपिंग से करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो ज्यादा जमा राशि पर रोक, यानी कि चाहती है वो, जैसे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपए लेकर के आ रहा है भैया हमारे जमा कर लो, तो नहीं कर सकता, उसे कम रुपए जमा करना होगा, इससे क्या होगा उसके ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा। अब क्या होता है कि तीनों कैटेगरी मान लो फेल हो जाती है, जैसे उसने पहला उपाय किया तब भी बैंक अपनी स्थिति संभाल नहीं पाई, उसे कैटेगरी टू में आना पड़ा, कैटेगरी टू में भी उसने इन दोनों का पालन किया फिर भी वो अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाई, कैटेगरी थ्री में वो आ गई, कैटेगरी थ्री में भी आने के बाद उसने ये भी उपाय उपाय जो उपाय थे उसने इसका फॉलो किया, फिर भी वो उसकी स्थिति और दयनीय होती चली गई। फिर आरबीआई क्या करती है, इन तीनों के विफल होने पर, जो ये तीन कैटेगरी थी इनका उपयोग करने के बाद भी, इनके तीनों के विफल हो जाने के बाद भी जो बैंक होती है, मानते हैं हमारे जो क्लब बैंक है, ओके, आप लोग सपोर्ट करिए, हमारी क्लब बैंक डूबनी नहीं चाहिए। ओके, तो जो बैंक होती है, जो इन तीनों कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी में विफल हो जाती है, तो या तो उसे नंबर एक बंद कर दिया जाता है या फिर उसका विलय कर दिया जाता है, मतलब दूसरे में मर्जर कर दिया जाता है। तो मर्जर इसी तरह से अब किया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बैंक को उठा करके किसी में भी मर्जर कर दो, तो ये मर्जर करने की प्रक्रिया है, नई प्रक्रिया है, इसको अपनाना पड़ेगा, आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी बैंक को किसी में उठा करके डाल दिया जाए, पहले पहले उसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर ऑप्शन होगा या तो उस बैंक को बंद कर दिया जाए या फिर उसका ब्लैक कर दिया जाए। ओके, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, देखिए मैं आपको डेली टास्क भी देता हूँ, कहीं भी आपको कोई भी टास्क नहीं मिलता है, मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर भी करिए। ओके, हमारा चैनल अभी काफी नया है, तो आप ही लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो सभी को लाभ होना चाहिए। ओके, तो वित्तीय समावेशन का जैसे सभी तक पहुंचना चाहिए, ऐसे हमारी जो हमारा जो मेरा थोड़ा सा ज्ञान है ये सभी तक आप लोग पहुँचाइए। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम से आप लोग पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट भी करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। ओके।